सो हेलो एवरीवन, आई होप कि मेरी आवाज वगैरह सब एकदम क्लियर आ रही होगी। फटाफट से सेशन की शुरुआत करेंगे। एक बार जरा देख लेते हैं सब कुछ ठीक है। एक बार फटाफट से बताओ कि आवाज वगैरह आ रही है या नहीं। जस्ट लेट मी चेक। ऐप पे चले गए, ऐप पे। चलो भाई, तो मेरी तरफ से मेरे हिसाब से तो सब क्लियर है, कोई समस्या है नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, शुरू करेंगे। चलो भाई, तो क्लास हो चुकी है शुरू। आवाज वगैरह एकदम सही आई रही होगी, एक बार चेक कर लेते हैं बस, और सेशन की शुरुआत करेंगे। हेलो, चलिए भाई, तो बात करनी है हमें किसके बारे में? चैप्टर 3 के बारे में, जो कि हमारा कौन सा? नियोजित विकास की राजनीति। काफी सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर, दूसरा कर लिया था हमने, याद होगा तुम्हारे को, एक दल के प्रभुत्व का दौर। बाकी टेंशन ना लो, तुम्हारी क्लास भी रिकॉर्डेड पड़ी है, आप पे जाओ देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो। हाँ ठीक है, देखो। तो तीसरा चैप्टर है। अब देखो, मैं रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि तीसरा भी हमने आधा कर रखा है, अगर तुम्हें याद हो तो। अब मेरे साथ साथ चलना, तो तुम्हें रिवाइज हो जाएगा और साथ साथ बोलते बोलते पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे। कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आईडी किसने लॉगिन की अभी? चलो, तो गणेश, इसके अलावा प्रिया शर्मा, गुड इवनिंग। रेली वेरी गुड इवनिंग। तो चलो भाई, देखो, नियोजित विकास की राजनीति तीसरा चैप्टर है तुम्हारा। तो इसमें सबसे पहली तो बात यही आएगी कि नियोजित विकास है क्या। हाँ, तो बताओ क्या है। हाँ, तो नियोजन का मतलब बेसिकली ये हो गया कि हमारे संसाधनों को देखते हुए भविष्य के लिए लक्ष्य बनाना और उन्हें पाने के तरीके को ढूंढना या उन्हें पाने का प्रयास करना, यही क्या है? नियोजन है। तो नियोजन का मतलब बेसिकली ये है। तो देखो, अब देखो, पहली बात तो तुम्हें क्या होना चाहिए ना, अगर तुम्हें 12th में अच्छे से स्कोर करना, मेरी 2 4 5 चीजें ना समझ लो अच्छे से। तुम्हारे को चीजें ना रटी हुई होनी चाहिए। रटी हुई होने का मतलब क्या है कि तुम्हें पहले तो पता हो। देखो, एक बार तुम्हारे माइंड के अंदर वो चीज बन जाएगी ना कि भाई ये 9 चैप्टर है, ये 9 चैप्टर है, ये 9 चैप्टर में ये बताया, इन 9 चैप्टर में ये बताया, ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंट है, इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ खत्म होती है, इसकी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ खत्म होती है। तो जैसे तुम एक मूवी देखते हो ना, उस मूवी का हर सीन तुम्हें याद रहता है, हर कैरेक्टर तुम्हें याद रहता है, और हर मूवी की एक स्टोरी होती है जो इंटरवल से पहले कुछ और होती है और इंटरवल के बाद कुछ और होती है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम ये सोचो कि यू आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, जिसमें इंटरवल से पहले 9 कैरेक्टर है और इंटरवल के बाद 9 कैरेक्टर है, ठीक है। 9 कैरेक्टर के अंदर सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं और उसके बाद इधर भी सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं, और ये 9 कैरेक्टर इधर के और 9 कैरेक्टर इधर के मिलके 18 कैरेक्टर, जो तुम्हारे चैप्टर से 18, वो बनाते हैं तुम्हारी क्या, पूरी मूवी या पूरी कहानी। तो तुम्हें हर किसी चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में क्या है, कैसे है, कितना है, किस बारे में बात की गई है। और उसके बाद पहली बार जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो ये इसीलिए है कि तुम्हें आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में है क्या। दूसरी बार जब तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें इतने अच्छे से वो दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि तुम बोलोगे बस, अब मैं कहीं से कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अब हम आ गए हैं किस पे? नियोजित विकास की राजनीति पे। डेफिनेशंस को रट्टा लगा लो अच्छे से, भले ही तुम्हें उस वर्ड का मतलब ना पता हो, पर तुम्हें वो डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। सिंपल, समझ तो आ जाएगी, समझना इज नॉट अ बिग डील, उसे याद रखना जरूरी है। एक बार याद रख लोगे ना तो हो जाएगा। देखो दो चीजें, या तो तुम बहुत अच्छा लिख सकते हो तो तुम समझ के भी लिख दोगे, अगर तुम बहुत अच्छा नहीं लिख सकते तो जिसने बहुत अच्छा लिख के दिया है उसे याद कर लो। सिंपल, बात समझ आ गई? दोनों ही तरीके से तुम्हारा काम चल जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा अगर नहीं लिख सकते तो उसे सुधार सकते हो तुम प्रैक्टिस कर करके, तो या तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ताकि तुम बहुत अच्छा लिखना शुरू कर दो। अगर बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे तो क्या करो कि जो सामने वाले ने लिख के दिया उसे सीधा कॉपी पेस्ट मार कर आओ, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हारे, अगर मार्क्स कट जाए तो मेरे को यहां पर आकर बोलना कि सर मार्क्स कट गए। ठीक है, समझ गए? तो इतनी टेंशन मत लो, इतना ज्यादा सोचो मत, बस पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखो। देखो, नियोजित विकास की राजनीति में जब तुम कुछ पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में ये आएगा, भाई मुझे ये बताओ ये नियोजित विकास होता क्या? तो नियोजित विकास का मतलब है प्लानिंग करना। किस चीज की प्लानिंग करना? कि हम विकास कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नियोजित विकास कहते हैं। अब नियोजित विकास की शुरुआत भारत में हुई, उससे पहले हमें यह समझना है कि नियोजित विकास की जरूरत क्या थी। मतलब भारत में कुछ ना कुछ समस्या थी। तो आजादी के बाद पहली चुनौती अखंड भारत बनाना, दूसरी चुनौती लोकतंत्र लाना, और तीसरी चुनौती विकास करना। तो दो चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं, तीसरी चुनौती आ गई है विकास करना। देश की हालत है खराब। अब तुम मेरे साथ खड़े हो 1947 में, और जब तुम अपने आसपास देखते हो तो तुम्हें देखने को मिलता है यार देश की हालत है खराब, इधर दंगे चल रहे हैं, कृषि की हालत खराब है, उद्योगों की हालत खराब हो चुकी है, आधारिक संरचना है नहीं, यानी मतलब लोगों के घरों में बिजली नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, परिवहन की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। ऐसे में व्यक्ति करेगा तो क्या करेगा? ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, तो ये समस्या है भारत की। अब जब भारत की समस्या तुम्हें समझ आ गई तो अब तुम वहां पर बैठ के सोचोगे कि करे क्या, यानी समाधान कैसे करें। ठीक है, तो पहले तुमने देखा कि भाई हमने क्या किया, भारत बना लिया, भारत में सरकार भी बनानी यानी लोकतंत्र भी ले आए। अब लोगों के लिए क्या करें? तो लोगों के लिए करना है विकास। ठीक है, और विकास क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हारे देश में समस्या है। देखो, कृषि की स्थिति खराब है, उद्योगों की स्थिति भी खराब है, देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीब है, ठीक है, लोग अनपढ़ हैं, आधारिक संरचना है नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है? विकास। अब विकास करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो। कौन कौन से? एक तो समाजवाद, एक पूंजीवाद, यानी सब कुछ सरकारी करके या तो समाजवादी बन जाओ और यूएसएसआर जैसे हो जाओ, या सब कुछ प्राइवेट करके पूंजीवादी बन जाओ और अमेरिका जैसे हो जाओ। और यहां पर तुम्हारे यहाँ लोग भी दो प्रकार के हैं, पहले कौन से? वामपंथी और दूसरे दक्षिणपंथी। वामपंथी कहते हैं कि भाई गरीबों के लिए कुछ करो, और दक्षिणपंथी कहते हैं कि अमीरों के लिए कुछ करो। तो करा क्या जाए? तो ऐसे में भारत के योजनाकारों ने बीच का रास्ता निकाला, जिसे हम कह सकते हैं जुगाड़। क्या जुगाड़? कि भाई ना तो हम सरकारी हो जाएंगे और ना ही हम प्राइवेट हो जाएंगे, हम हो जाएंगे दोनों, हम सरकारी भी रहेंगे और प्राइवेट भी रहेंगे, और हमने बना दी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बात समझ आ गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब कि बड़े उद्योग सरकार चलाए और छोटे उद्योग कौन चलाएगा? निजी क्षेत्र। यानी तुम अपनी छोटी छोटी कंपनी खोलो और मजे करो, सरकार बड़ी बड़ी कंपनी खोलेगी और देश के विकास के लिए काम करेगी। अब ये हो गया, गरीबों का भी भला, अमीरों का भी भला, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी आ गई। इसके साथ हमने अपनाया एक और चीज को। किसे? नियोजन को। किसे अपनाया? नियोजन को। यहाँ पर अगर तुम्हें डाउट हो तो मैं एक चीज बता देता हूँ, नियोजन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो, बॉम्बे प्लान आजादी से पहले 1944 में, इसे समझ लेना। बॉम्बे प्लान इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। ठीक है, बॉम्बे प्लान इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझ लेना अच्छे से। 1944 में आजादी से 3 साल पहले भारत के अंदर कुछ बड़े बड़े उद्योगपति समझते हो, अमीर लोग, पैसे वाले, उनने बैठकर मीटिंग की और उन्होंने बोला कि भारत का विकास कैसे होना चाहिए। तो देखो, अगर तुम दिमाग लगाओ तो हर व्यापारी ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा छूट मिलेगी, तो वो जो चाहेंगे उसे वैसे जैसे चाहेंगे बेच पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो उनको तो चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, पर उस दौर में उन्होंने कहा कि भाई छूट गई तेल लेने, हमें क्या चाहिए कि भाई आप क्या करो, नियोजित अर्थव्यवस्था लेकर आओ। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सब कुछ कैसे होगा, प्लान के हिसाब से होगा। तो अभी तक हमें एक बात समझ आई कि भाई गरीब देश, उसको सुधारने के दो तरीके, पहला कौन सा, समाजवाद, और दूसरा कौन सा, पूंजीवाद। समाजवाद का मतलब सब कुछ करो सरकारी, पूंजीवाद का मतलब सब कुछ करो प्राइवेट। हमने कहा हमें दोनों ही नहीं चाहिए, हम दोनों को ही मिला लेंगे। तो हमने कहा बड़े उद्योग हो गए सरकारी और छोटे उद्योग हो गए प्राइवेट। इसके अंदर हमने नियोजन को अपनाया जो कि हमें मिला था बॉम्बे प्लान से, जिसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बैठकर मीटिंग की थी और ये डिसाइड किया था कि अर्थव्यवस्था का विकास स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि फिर नियोजन तो आ गया, पर नियोजन करेगा कौन, यानी प्लानिंग करेगा कौन, कोई ना कोई तो होना चाहिए प्लानिंग करने के लिए। तो उसके लिए हमारे देश ने बनाया क्या, योजना आयोग। क्या, योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या करेगा, हमारे देश के लिए प्लानिंग करेगा। किसकी प्लानिंग करेगा, या तो अगले 5 साल की करेगा, या अगले 1 साल की करेगा, या अगले 2 साल की करेगा। अगर अगले 5 साल की करेगा तो हम कहेंगे पंचवर्षीय योजना बना दी भाई एक। अगर 1 साल के लिए करेगा तो हम कहेंगे कि भाई 1 वर्षीय योजना बना दी, और 2 साल के लिए करेगा तो हम कहेंगे कि 2 वर्षीय या 2 वर्षीय योजना बना दी। तो पंचवर्षीय योजना क्या है, तो आप कहोगे पंचवर्षीय योजना का मतलब है अगले 5 साल के लिए देश के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने का क्या करना, प्रयास करना। द्विवर्षीय योजना का मतलब अगले 2 साल के लिए, 1 वर्षीय योजना का मतलब अगले 1 साल के लिए। सही बात है, आगे चलें। इसके बाद देखो तो भाई योजना आयोग आ चुका है और देश के अंदर क्या हो चुकी है, पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है और हम 1947 से चलते चलते 51 में आ गए। कब आ गए, 51 में। अब 51 में तुम मेरे साथ खड़े हो और तुम देखते हो कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या हो रही है, लागू हो रही है। और जब वो लागू होती है तो उसके याद रखना कि मुख्य योजनाकार कौन है, KN राज। 51 में लागू हुई, 5 साल के लिए, तो खत्म कब होगी भाई, 51 के बाद 5 साल, 56 में। 56 में खत्म हो जाएगी। तो 56 में खत्म हो जाती है। इसके अंदर ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है, कृषि पर। किस पर, कृषि पर। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को 5 साल तक खिलाओगे और दूसरे को नहीं खिलाओगे तो उसका क्या हाल होगा, कमजोर हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। सेम ऐसा ही होता है किसके साथ, उद्योगों के साथ। कैसा होता है उद्योगों के साथ, कि भाई तुमने ध्यान दिया कृषि पर, अब कृषि पर ध्यान देने की वजह से उद्योगों की हालत क्या हो गई, खराब हो गई। सही बात है, उद्योगों की हालत खराब। तो अब तुमने क्या किया, तुमने नई योजना बनाई। कब बनाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में। अब 1956 में तुमने योजना बनाई तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, PC महालनोबिस, जो इस योजना का क्या था, मुख्य योजनाकार था। ठीक है, महालनोबिस। ठीक है, इसमें क्या किया गया, उद्योगों पर ध्यान दिया गया। अब सोचो पहले एक बच्चे को खिलाया 5 साल, अब दूसरे बच्चे को 5 साल खिलाया तो पहले का क्या हाल होगा, वही हाल हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही हुआ। 1961 में क्या हुआ, कृषि की हालत खराब हो गई। क्या, 1961 में कृषि की हालत खराब हो गई। अब बेचारे तुम्हारे एक बच्चे की हालत पहले ही खराब हो गई थी, इतने में ही क्या हुआ कि तुम्हारी जॉब भी छूट गई। तो अब तो ना तुम पहले को खिला पा रहे हो ना दूसरे को खिला पा रहे हो, तो अब दोनों की हालत खराब हो जाएगी। सेम ऐसा ही हुआ कि 1962 में हो गया हमारा क्या, चीन से युद्ध। क्या हुआ, चीन से युद्ध। अब 1962 में चीन से युद्ध होने की वजह से ना तुम कृषि पर ध्यान दे पाए ना तुम उद्योगों पर ध्यान दे पाए। चलो उद्योगों की कहानी कैसे ना कैसे चल गई, पर कृषि की हालत हो गई खराब। क्या हो गई, खराब। अब तुम अपने पड़ोसी से पैसे मांगने गए, जो कि कौन, अमेरिका, कि भाई हमारे पास क्या नहीं है, खाद्यान्न नहीं है, हमें क्या करो, खाद्यान्न दे दो। तो अमेरिका ने बोला ले लो, USSR से दोस्ती खत्म करो और हमारा समर्थन करना शुरू करो, सिंपल। तो तुम्हें लगता है कि भारत ऐसा करेगा, हाँ। तो अब भारत करे तो करे क्या, मतलब तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है, ठीक है, मतलब खाद्यान्न नहीं है अल्टीमेटली। तो तुम्हारे को क्या करना था, अब इस समस्या का समाधान करना था। अब वहां हमारे देश ठीक है, अब ठीक है। एक बार फटाफट से बताओ, आवाज वगैरह सब ठीक है? बीच में थोड़ा सा एरर था। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। चलिए भाई, सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे कि भाई अब तुम्हें कहाँ जाना पड़ा? अमेरिका के पास जाना पड़ा। अमेरिका का साथ दोगे तो फिर तुम गुटनिरपेक्षता से भटक जाओगे। तो करे क्या, दोनों तरफ से फंस गए। तो हमारे देश के नेताओं के पास एक ही रास्ता था कि दिमाग का प्रयोग करो और कैसे भी कृषि का उत्पादन बढ़ाओ, चाहे तुम्हें दिन रात एक करने पड़े, कुछ भी करना पड़े। तुम्हारे पास सिंगल एक ऑप्शन है, ठीक है? क्या ऑप्शन है? दिमाग का प्रयोग करो और कैसे भी इस समस्या का समाधान करो। कौन सी समस्या? कि खाद्यान्न कहां से आएगा। उस दौर में लाल बहादुर शास्त्री थे, तुम्हें याद होगा, 1964 के आसपास की बात है, ठीक है? उस दौर में उन्होंने ये कहा था कि मतलब खाद्यान्न की इतनी कमी थी कि उन्होंने कहा था कि अगर हम हफ्ते में सिर्फ एक बार भूखे रहने का क्या ले, प्रण ले, क्या ले, हफ्ते में एक बार व्रत रखने का प्रण ले, तो उससे बहुत सारे अन्य लोगों को क्या मिल सकेगा? भोजन मिल सकेगा। ऐसी हालत थी भारत की, ठीक है? वहां पर हमारे देश के नेताओं ने क्या किया? अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। हमारे जो योजनाकार थे वो आगे आए और कृषि पर ध्यान देना शुरू किया। किस पर? कृषि पर, ठीक है? अब ठीक है ना भाई, साउंड वगैरह बता दो एक बार। और यहां तक चीजें समझ आई या नहीं आई ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा इसके आगे का। पहले फटाफट से बताओ, यहां तक समझ आया सभी को? जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि भाई एक मुश्किलों से घिरा हुआ देश, उस देश के सामने विकास के दो रास्ते। पहला कौन सा? समाजवाद, और दूसरा पूंजीवाद। उस देश ने कहा कि ना तो हम समाजवादी बनेंगे ना पूंजीवादी, हम बनाएंगे अपनी नई विचारधारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित व्यवस्था बनाई, कहा कि बड़े बड़े उद्योग हो जाएंगे सरकारी और छोटे छोटे उद्योग हो जाएंगे प्राइवेट, ठीक है? आगे चलकर नियोजन को अपनाया। नियोजन का मतलब योजना बनाना जिससे तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सको। योजना कौन बनाएगा? तो योजना बनाएगा कौन? योजना आयोग, ठीक है? योजना आयोग का ये याद रखना कि जो योजना आयोग है उसकी स्थापना हुई 1950 में, और ये जो ये नियोजन की व्यवस्था ली गई है ये कहां से ली गई है? नियोजन की व्यवस्था सोवियत संघ से ली गई है, ठीक है? अब इसके बाद देश के अंदर शुरू हुआ नियोजन। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को खिला दिया तो उद्योग पिछड़ गए, उद्योगों को खिला दिया तो कृषि पिछड़ गई, और कृषि जब पिछड़ गई तो अब हमारे पास आई हरित क्रांति। अब हरित क्रांति में समझना कि हुआ क्या। हरित क्रांति की कहानी कुछ ऐसी है कि सरकार अभी तक, अब ये समझो इसे, जैसे मान लो हमारे देश के अंदर 10 किसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अब ये जो शुरू के 6 किसान है ना, इनके पास कम पैसा है और कम जमीन है और कम जानकारी है। ये जो बाकी के 2 किसान है इनके पास ठीक ठाक पैसा है, ठीक ठाक जमीन है और ठीक ठाक जानकारी है। और ये बचे हुए जो 2 किसान हैं इनके पास भतेरा पैसा है, भतेरी जमीन है और भतेरी जानकारी है, ठीक है? सरकार अभी तक क्या कर रही थी कि वो ध्यान दे रही थी इन छोटे किसानों पर ताकि ये आगे बढ़ सके, ठीक है? पर इनको एजुकेट करने, इनके उस जमीन के ऊपर कृषि कराने और इनको आर्थिक सहायता देने में योजना कब कब थी और कौन कौन सी थी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहली और दूसरी याद रखो अभी। पहली थी 1951 से 1956 और दूसरी थी 1956 से 1961। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद देखो, ये बात समझ आई तो सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, इनके पास कम जमीन भी है, कम पैसा भी है और कम जानकारी भी है, काम करते हैं इन दोनों को पैसा देते हैं। अब देखो होगा क्या कि अब जब तुम ऐसे किसानों को पैसा दोगे जिन पे जमीन भी ज्यादा है, अच्छा उन पे अपना भी खुद का कुछ पैसा है, तुम उन्हें और सहायता दे दोगे तो वो और अच्छे बीज खरीदकर और अच्छे उर्वरक खरीदकर तेजी से क्या करेंगे, उत्पादन को बढ़ा देंगे। तो हरित क्रांति में यही किया गया। क्या किया गया कि बड़े किसानों को या मध्यम किसानों को बड़े स्तर पर सहायता दी गई, जिससे क्या हुआ, उन बड़े किसानों ने एकदम से उत्पादन में वृद्धि दर्ज करा दी। ठीक है, तो हरित क्रांति कैसे आई? तो देखो, खाद्यान्न की समस्या को बढ़ते हुए देखकर सरकार ने इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोशिश की। क्या किया? अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए किसानों को सस्ते दामों पर, भूमि अनुसार उत्पादन के बारे में बताया, नहीं जानकारी दी, उनसे बोला कि भाई तुम्हारी जमीन ये है और इस प्रकार की जमीन पे ये वाली फसल उगाओ, ये वाली फसल उगाओगे तो ज्यादा उगेगी, ठीक है, दूसरी उगाओगे तो कम उगेगी। तो उस तरीके से जब उन्होंने सही फसल उगाई तो उन्हें क्या हुआ, ज्यादा लाभ हुआ। ठीक है, अधिक सहायता उपलब्ध कराई और ज्यादा पैसे दिए। ठीक है, अब जब भाई हरित क्रांति आई देश के अंदर तो क्या हुआ, अब ये याद रखना कि उसका फायदा क्या हुआ। तो पहला फायदा तो यही हुआ कि खाद्यान्न में वृद्धि हुई। किसमें? अच्छा, खाद्यान्न समझते हो ना तुम, खाद्य अन्न, ऐसा अन्न जिसे हम खाते हैं तो उसे कहते हैं खाद्यान्न। ठीक है, तो खाद्यान्न में हुई क्या, हुई वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में भारत क्या बन गया, आत्मनिर्भर बन गया, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बना। अब हम खुद के लिए भी उत्पादन करने लगे और अमेरिका जैसे देशों को भेजने भी लगे कि चल तू भी ले ले, ठीक है, अब हमारे को नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति आ गई। इसी के साथ साथ, ठीक है, नई तकनीक आई कृषि के अंदर। क्या हुआ, नई तकनीक आई, सरकार ने कृषि के अंदर जो आपके किसान थे उन्हें प्रोत्साहित किया। सहकारी कृषि की शुरुआत समझ सकते हो, उन्होंने बोला कि एक काम करो, हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, तुम एक बढ़िया सा ट्रैक्टर खरीद लो, ट्रैक्टर खरीद के उससे आराम से कृषि करो, फिर पैसा कमाओगे, हमें वापस कर देना, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, नई तकनीक आई। इसके बाद मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ। अब देखो, जो गरीब थे वो मिडल में आ गए, जो मिडल वाले थे वो अपर क्लास में चले गए, तो मध्यम कृषक वर्ग बना। ठीक है, गरीब किसानों को भी सहायता मिली तो उसकी वजह से उनका भी क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, और कृषि का क्या हुआ, व्यापारीकरण हुआ। कृषि के व्यापारीकरण का मतलब कि अब इसे समझ लेना गौर से, ऐसी चीजें ही तुम्हें परेशान करती हैं। कृषि के व्यापारीकरण का मतलब कि अभी तक जहां किसान ऐसी फसलें उगा रहे थे जिन्हें वो खुद यूज कर सके, ठीक है, अब ऐसी फसलें उगाने लगे जिन्हें वो बाजार में बेच सकें, फिर उससे पैसा कमाकर फिर अपनी जरूरतें क्या कर सके, पूरी कर सके, तो इसे कहा जाता है कृषि में व्यापारीकरण। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखो कहानी कहाँ जाती है। क्या कृषि हरित क्रांति का सिर्फ फायदा हुआ? तो नहीं, नुकसान भी हुए। क्या नुकसान हुआ कि देखो, गेहूं चावल जैसी फसलों का उत्पादन तो बढ़ गया, पर क्या गेहूं चावल लिए गए दुनिया में, दालें नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी फसलें, उनमें कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला। कुछ क्षेत्रों जैसे कि उत्तर प्रदेश पंजाब तक क्या रहा, सीमित रहा, क्योंकि देखो ऐसा था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में पहले से ही अमीर किसान रहा करते थे, उनको थोड़ी सी सहायता मिली तो उन्होंने क्या किया, ग्रो कर लिया। ठीक है, और जो दूसरे किसान थे जिनके पास इतने संसाधन नहीं थे वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी तरफ अमीर और गरीब के बीच, किसानों के बीच में अंतर बढ़ गया। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने अमीर किसानों को सहायता दी, जिस वजह से अमीर तो और अमीर हो गए और गरीब बेचारा परेशान ही रहा। और हरित क्रांति का फायदा संपूर्ण भारत को नहीं हुआ। ठीक है, पर फिर भी इतना अनाज हमने पैदा कर लिया कि अब हम खुद भी ले सकते थे और दूसरों को भी दे सकते थे, तो ये फायदे तो हुए ही हुए। अब देखो, यहां पर तुम्हें ये बात समझ आ गई है ना, तब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि इतना भी क्या मुश्किल था। ठीक है, विकास ही तो करना था, पैसा दो, सीधा ऐसे सड़कें बन जाएंगे, ऐसे रोड बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सरकार के पास पैसा भी बहुत सारा है, पर ऐसा नहीं है। अब तुम सोच के देखो कि तुम हमारा देश चला रहे हो, तुम्हारे सामने पहली समस्या कौन सी आएगी? तुम्हारे सामने सबसे पहली समस्या ये आएगी कि भाई कृषि पर ज्यादा ध्यान दे या उद्योगों पर। मतलब तुम्हारे दो बच्चे और दोनों को खिलाना जरूरी है, ठीक है, पर तुम्हारे पास खिलाने के लिए पैसा एक का ही है कि तुम किसी एक को ही खिला सकते हो, तो फिर क्या करोगे बताओ? 50-50 करोगे तो दोनों का ही विकास नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन उसे स्कूल भेजोगे, एक दिन इसे भेजोगे, सिंपल। तो तुम्हारे को वहां पर चॉइस करनी है अब कि अब क्या करोगे बताओ, दोनों को कैसे भेजोगे साथ में। मान लीजिए 5,000 रुपया है उसका, तो ये क्या करेंगे, 25-25 कर देंगे, जहाँ पर वो देखेंगे जहाँ पर सुविधा अच्छे से मिल रहा है तो वो उस स्कूल में उन्हें पढ़ाने के लिए भेजेंगे। ये समझो ना कि तुम्हारे पास इतना ही पैसा है कि एक ही को खिला सकते हो, उसके लिए कपड़े ला कर दे सकते हो, दोनों को तुम पाल ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसी ही सेम समस्या थी किसकी, कृषि और उद्योग की। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना, फिर तुम्हें समझ आएगा कि समस्या क्या थी। देखो मान लो तुमने कृषि कर ली बहुत सारी, अब कृषि तो तुमने कर ली, कृषि से जो सामान आया या तो खा लोगे पर कितना ही खा लोगे, और दूसरी बात कृषि से तुम विकास कैसे करोगे, विकास तो उद्योगों से होता है। ठीक है, बोलो। कृषि से पैसा तो तब आएगा ना जब कृषि का सामान कोई खरीदेगा, हर कोई कृषक तो नहीं बन जाएगा, और कृषि का सामान खरीदेंगे कौन, उद्योग, कच्चे माल के लिए, और उद्योग ही नहीं है तो फिर कृषि से इतना सारी पैदावार करके करोगे क्या। ठीक है, अब मान लो तुमने कहा कि चलो उद्योग बहुत ज्यादा कर देते हैं, अब तुमने उद्योग बहुत ज्यादा कर दिए और कृषि कोई कर नहीं रहा है तो कच्चा माल कहाँ से आएगा, और कच्चा माल ही नहीं आएगा तो उद्योगों में करोगे क्या, मच्छर मारोगे, क्या करोगे बताओ। ठीक है, तो हमारे नेताओं के सामने यही समस्या थी कि भाई देश के अंदर उद्योगों की भी हालत खराब और साथ ही साथ कृषि की भी हालत खराब, करें तो करें क्या। ठीक है, यानी कि अगर तुम कृषि पर ध्यान दोगे पहली पंचवर्षीय योजना की तरह तो फिर उद्योग बर्बाद हो जाएंगे, और उद्योगों पर ध्यान दोगे दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरह तो कृषि खराब हो जाएगी, ये समस्या। ठीक है, उद्योग भी जरूरी थे क्योंकि विकास करना था, ठीक है, और कृषि भी जरूरी थी क्योंकि कच्चा माल चाहिए था, खाद्यान्न चाहिए था, खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे, सिंपल। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों तरफ से क्या हो गए, बेचारे फंस गए। ठीक है, इसके बाद दूसरी समस्या थी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के। अब हमने हीरो बनकर, ठीक है, दोनों चीजें ले तो ली, ठीक है, कि भाई निजी क्षेत्र भी होगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा, पर यह समझ नहीं आया कि आगे जाकर समस्या आएगी। कैसे समस्या आएगी, देखो सरकारी कंपनियों से लोगों का कल्याण जो होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ। तुम्हें लगता है कि सरकारी उद्योगों में किसी का कोई खासा कल्याण होता है, कुछ हद तक तुम कह सकते हो कि होता है, वरना तुम्हारे को वही थके अरे सरकारी कर्मचारी मिलेंगे, ठीक है, जो 30-40 साल से वही जॉब किए जा रहे हैं, उसी कंप्यूटर पे टक 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 करते हैं और अब इरिटेट हो चुके हैं जिंदगी से। ठीक है, कृषि और उद्योग में तो उन्हें कैसे दोनों इक्वल में किया जाएगा। देखो दोनों इक्वल में ऐसे ही गया कि पहली में कृषि कृषि कर लो, दूसरी में उद्योग उद्योग कर लो। ठीक है, वो जय गिरते पड़ते किसी तरीके से कर ही लिया। ठीक है, अभी भी कौन सा समस्या खत्म हो गई, अभी भी चल ही रही है। हाँ ठीक है, अब फिर आई निजी और सार्वजनिक की बात। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर तुम्हारे को फायदा है, सरकार क्या कर सकती है, गरीबों का कल्याण कर सकती है, पर तुम ये भी सोचो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही तो विकास होता है ना, सरकारी उद्योग तुम्हें कमा के थोड़ी ना देते हैं, उल्टा सरकार नुकसान में जाती है। एक बात सोच के देखो कि साल भर में, मान लो महीने भर में सरकार ने तुमसे 2000 रुपए टैक्स लिया और तुम्हें सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ा दिया, तो बात तो घूम फिर के वहीं आ गई ना, आई नहीं आई। ठीक है, तो ये वाली समस्या है। ठीक है, तो तब तक अब ये हो गया सरकारी उद्योग का। अच्छा, निजी क्षेत्र में क्या समस्या है, निजी क्षेत्र में ये समस्या है कि भाई तुम जाओगे वहां तो तुम्हें सीधा सीधा इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर नहीं होंगे तो तुम क्या कर सकते हो, वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, निजी मतलब प्राइवेट और सार्वजनिक मतलब सरकार। तो हमारे नेताओं के सामने हमेशा ये समस्या रही कि निजी क्षेत्र को ज्यादा प्रायोरिटी दें या सार्वजनिक क्षेत्र को। ठीक है, व्यापार करना होगा। ठीक है, तो यही समस्या रही। अरसला कुरैशी, आपको कुछ पूछना है क्या। हाँ चलो, नमस्ते ऋतिक। और ये वाली बात समझ आ गई सबको। तो भाई समस्याएं बहुत सारी थी। ठीक है, देखो तुम्हारे लिए ये सब चीजें ना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि तुम पैदा हुए हो अभी अभी, या हम भी तो अभी अभी पैदा हुए, हम कौन सा ज्यादा पुराने। ठीक है, अपने पिताजी से, दादाजी से पूछो कि क्या दौर हुआ करता था, देश की क्या हालत थी, और उस दौर के अंदर कैसे कैसे गिरते पड़ते किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी रहा हो, तुम्हारे नेता तुम्हारे को यहाँ तक खींच कर लाए। ठीक है, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें वहां से खींच कर लाए कि चलो अभी बहुत समय पड़ा है, अभी हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा विकास करना है। अगर हमारे देश के नेता पाकिस्तान जैसा करते या बांग्लादेश के नेताओं जैसा करते या किसी अन्य देश के नेताओं जैसा करते तो देश इतनी तरक्की नहीं कर पाता। आज तुम अमेरिका को देखते हो कि वो इतना विकसित है, ये भी समझो कि वो 200 साल से विकास कर रहा है। कब का आजाद हो चुका है वो, ठीक है, कब का आजाद हो चुका है, ठीक है। तुम 75 साल में यहां तक पहुंच गए तो तुम्हारे लिए अचीवमेंट है और अभी बहुत आगे जा सकते हो अगर चीजें सही से चले, अगर समझदारी से अपना दिमाग लगाकर तुम सही काम करो, ठीक है, तो तुम्हारे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं। हाँ ठीक है, हमारे पास संसाधन नहीं है, पर हमारे पास काबिलियत तो है ना, हमारे पास है जुगाड़, ठीक है, जो किसी के पास नहीं है, ठीक है। तुम बेहतरीन चीजें बना सकते हो, वो अच्छी बात है, पर तुम खराब चीजों को भी जुगाड़ से बेहतरीन बना सकते हो, ये टैलेंट है, ठीक है, तो वो है हमारे पास, तो कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे, ठीक है। अब आगे देखो क्या हुआ। अब यहाँ तक कि ये कहानी चैप्टर की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमें एक टॉपिक पढ़ना है बस, जो कौन सा है, योजना आयोग, जो कि हमने बीच में डिस्कस करना था, तो पर हम उसे क्या कर रहे हैं, लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो योजना आयोग कौन था, मैंने आपको बताया कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई उन्हें लागू करने के लिए क्या चाहिए था, योजना आयोग चाहिए था। तो भाई क्या बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया। अब योजना आयोग के अंदर अगर हम मेल नहीं देखें तो था क्या कि भाई इसके अंदर प्रधानमंत्री होता था, और प्रधानमंत्री, अब मेरे साथ ना गौर से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना भाई। क्लासेस के अंदर अभी तक जितना हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अब आपका, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, फटाफट से बताओ, चैट के अंदर बताओ। इसके बाद देखो, अब यहां पर गौर से देखो कि योजना आयोग की कहानी है क्या कि भाई भारत में विकास करना था, नियोजित व्यवस्था को अपनाना था, तो इसीलिए योजना को बनाने, उसका आकलन करने के लिए क्या किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भविष्य के लिए क्या किया जाए, योजना बनाई जाए। पर इसमें कुछ कमियां थी, क्या थी, कमियां। अब ये कमियां याद रखना। योजना आयोग जो हमारा पहले था, प्लानिंग कमीशन बोलते हैं इसे, उसके अंदर क्या थी, कुछ कमियां थी। पहला तो इस पे केंद्र सरकार का प्रभाव था पूरी तरह से, और सभी योजनाएं क्या करती थी, केंद्र सरकार बनाती थी और राज्यों पर थोप देती थी कि भाई अब इसे क्या करो, लागू करो। तो राज्यों के लिए वो क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हर जगह स्थिति क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, यानी राज्यों को इसके अंदर कोई जगह नहीं दी गई थी। ये सारी जो प्लानिंग करता था वो कौन करता था, केंद्र ही करता था। विभिन्न पार्टियों के बीच होने वाली राजनीति की वजह से भी योजनाएं लागू नहीं होती थी, कि मान लो भाई केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में केजरीवाल है, बीजेपी ने बोला कि भाई ये योजना लागू करनी है, आम आदमी पार्टी ने लागू नहीं की, कर लो क्या कर लोगे, और की भी तो ठीक से नहीं की, कर लो क्या कर लोगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती थी। और राज्यों में संसाधनों का आवंटन, या सीधा सीधा समझो पैसा, कि भाई अगर योजना बनाई है तो पैसा भी तो दोगे ना, हम अपनी जेब से थोड़ी लगाएंगे, तो वो पैसा राज्यों को समय पर नहीं मिल पाता था, ठीक है। हाँ, नोट्स मिल जाएंगे ऐप पर ही। आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, तो यह भी जो मैंने लास्ट में बताया, उससे पहले एक और जोड़ लेना, कौन सा, कि किस तरीके से विकास करें, सार्वजनिक तरीके से या निजी तरीके से। दूसरा, कृषि और उद्योग के बीच का विवाद था कि किस पर ज्यादा ध्यान दें, और तीसरा था निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच का विवाद। तो भाई ये क्या थी, चार समस्याएं थी। अब देखो, योजना आयोग को बना दिया नीति आयोग, क्या बनाया, तो ऑब्वियसली इन चार समस्याओं का समाधान किया गया होगा। तो देखो कैसे कैसे किया गया। देखो, योजना आयोग की तरह संसाधनों का बंटवारा अब योजना आयोग नहीं करता, बल्कि ये जिम्मेदारी किसे दे दी, वित्त मंत्रालय को। तो वित्त मंत्रालय यानी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसे ये काम दे दिया कि भाई जो भी योजना बनेगी उसका पैसा आप कौन देगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी। तो ये समस्या खत्म, पैसा जो नहीं मिलता था योजनाओं के लिए। दूसरा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को उसके अंदर स्थान दे दिया, तो इससे जो राज्य के प्रतिनिधित्व की समस्या थी वो भी खत्म हो गई। और इससे क्या हुआ, नई व्यवस्था बनी जिसे हमने क्या कहा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। देखो, इसे हिंदी में यही बोलते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में यही लिखोगे, ठीक है। हाँ, ये है तुम्हारा नेशनल, फुल फॉर्म इसकी नेशनल नीति आयोग की, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है। और जो संचालन परिषद है अभी बताया उसके अंदर कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। दो नाम याद रखना कि इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद केजरीवाल नहीं थे, ठीक है। और प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सीईओ सिंगू श्री खुल्लर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जिसे तुम नॉर्मली कहते हो सीईओ। तो अगर ये भी पूछ ले कि सीईओ कौन थे तो उसमें भी तुम यही लिखोगे। हाँ हाँ, तो ये वही है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सिर्फ दो चीजों का विकास नहीं करना था। देखो सबसे बेसिक चीज, देखो तीन ही क्षेत्र होते हैं वैसे मेनली, हमने पढ़ा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक हो गया कृषि वाला, द्वितीयक उद्योग वाला, तृतीयक सेवा वाला। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास करना था क्योंकि तृतीयक क्षेत्र का विकास वैसे भी उसके बाद ही होता है, तो इसीलिए दो क्षेत्रों का विकास करना था। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग इसीलिए किया क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि योजना आयोग में काफी सारी कमियां थी। कौन कौन सी कमियां थी? जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, संसाधन आवंटन की समस्या थी, तो इस वजह से इसे बदल कर क्या बनाया गया? नीति आयोग। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये हो जाता है तुम्हारा तीसरा चैप्टर टोटली कंप्लीट। कांग्रेचुलेशन। बात समझ आ गई। तो हमने डिस्कस किया कि भाई देश में समस्या के समाधान के दो रास्ते, पूंजीवादी और समाजवादी। हमने अपनाया मिश्रित की वजह से हमारे सामने समस्या की कृषि पर ध्यान दिया, उद्योगों पर, निजी क्षेत्र पर दिया, सार्वजनिक पर। उसी के अंदर हमने अपनाया नियोजन का मतलब क्या? योजनाएं बनाना। 5 साल के लिए बनाओगे 5 वर्षीय, 2 साल के लिए बनाओगे 2 वर्षीय, 1 साल के लिए बनाओगे 1 वर्षीय, ठीक है। इसके बाद आया योजना आयोग। योजना आयोग क्या करता है? ये योजनाएं बनाता है, ठीक है। उसने बनाई पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनाई, 1956 तक चली। कृषि पर ध्यान दिया, KN राज कौन थे? मुखिया थे। उसके बाद आया 1956 में दूसरी, उसमें उद्योगों पर ध्यान दिया। 1956 से 61 तक PC महालनोबिस इसके क्या थे? मुख्य योजनाकार थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? कृषि की हालत खराब, तो कृषि की हालत सुधारने के लिए आई हरित क्रांति। बड़े किसानों पर ध्यान दिया, अच्छे बीज उपलब्ध कराए, अच्छे उर्वरक उपलब्ध कराए और स्थिति को पहले से बेहतर किया। सकारात्मक प्रभाव लिखो, नकारात्मक लिखो। उसके बाद योजना आयोग क्या है और उसे नीति आयोग क्यों बनाया गया, ठीक है। नोट्स क्लास के बाद मिल जाएंगे ऐप पर ही, ठीक है। कब बदला गया? तो आई होप अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2015 या 16 की बात है, 2015 की बात है, 1 जनवरी 2015 है ना, लिखा हुआ है। हाँ ये रहा, 1 जनवरी 2015 को इसे क्या किया गया? नीति आयोग बनाया गया। यानी जो आपका योजना आयोग था उसे बदलकर क्या बना दिया बच्चों? नीति आयोग, ठीक है। नोट्स ऐप पर ही मिल जाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखो और सारी चीजें ऐप पर मिल जाएंगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और उसके बाद जब एक बार हम सारा कंप्लीट कर लेंगे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कल हम करेंगे अपना चौथा चैप्टर भारत के विदेशी संबंध। तो आई होप कि मजा आया होगा सभी को। क्लास में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।